नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल टॉपिक। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप 10th और 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज बनाते हैं तो सरकार यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या यहां पे प्रोत्साहन राशि मिलती है और यहां पे क्या क्या सरकार की तरफ से आपको अवार्ड दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसा 10th और 12th दोनों ही क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं अभी कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर स्थगित कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए। इस वीडियो में दोस्तों स्पेशली मैं एमपी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एमपी बोर्ड के 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सभी एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, जिसमें 10th क्लास के दो पेपर शामिल थे और 12th क्लास की बात करेंगे तो 12th क्लास के बहुत सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे पेपर बचे थे। तो दोस्तों अगर 31 मार्च तक जैसी सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो आपका नया टाइम टेबल बोर्ड द्वारा यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा और जैसे ही नया टाइम टेबल आता है मैं इसकी जानकारी आपको दे दूंगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे आप प्रेस कर दीजिए, उसके बाद फिर एक बेल का आइकन होगा उसे आप ज़रूर दबाइए ताकि दोस्तों जैसे कोई अपडेट आती है आपको इसकी सूचना आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि 10th और 12th क्लास में आपको क्या क्या यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास में दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती है, किसी प्रकार का कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें 12th क्लास की तो दोस्तों अगर आप लोग 12th क्लास में एमपी बोर्ड में 75% या फिर 75% से ज़्यादा बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपये या फिर एक लैपटॉप मिलता है। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर की यानी कि 2019 की, 2019 में दोस्तों मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी बच्चे को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई राशि और ना ही किसी प्रकार का कोई लैपटॉप यहाँ पर दिया गया। बहुत से बच्चों, बहुत से दोस्तों के यहाँ पर 90% बने थे जिनका मेरे पास कमेंट आया था कि इस बार क्या हमें कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 2019 में सरकार ने यहाँ पे किसी भी बच्चे को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी थी, चाहे आपके 90% है, चाहे 95% हो, चाहे 75% हो। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे 2018 में तो 2018 में जितने भी स्टूडेंट्स के 75% से ज़्यादा थे उनको यहाँ पे लैपटॉप के लिए राशि दी गई थी जो कि 25,000 के चेक के हिसाब से दी गई थी। तो दोस्तों जैसा कि 2020 में आप सभी को पता है कि अब एमपी की गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वापस जो हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बन चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि 2020 में जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपके 75% से ज़्यादा बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे लैपटॉप मिलने की पूरी चांसेस है। और दोस्तों एक बात और है, अगर आपके 70% से ज़्यादा बनते हैं 12th क्लास में तो जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है दोस्तों यहाँ पे माफ़ हो जाती है। आप चाहे जनरल कैटेगरी में आते हो, चाहे ओबीसी में आओ, चाहे एससी में आओ, चाहे एसटी में आओ, अगर आपके 70% से ज़्यादा बन जाते हैं तो यहाँ पे मेधावी जो छात्र योजना होती है उसका आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके माध्यम से जो आपकी कॉलेज की फ़ीस होगी दोस्तों वो पूरी तरीके से माफ़ हो जाएगी। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे मेधावी के फॉर्म भरना शुरू होंगे इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, साथ में आपको फॉर्म भर के भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से मेधावी जो छात्र योजना का फॉर्म भरा था जिससे कि आपके कॉलेज की फीस माफ हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसे 10th और 12th क्लास का नया टाइम टेबल जारी होता है मैं आपको इसकी सूचना दे दूंगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश में अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो दोस्तों आप सभी अपने घर में ही रहिए और घर में ही अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जैसे ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है आपका तुरंत टाइम टेबल आ जाएगा और आपको यहाँ पे ज्यादा छुट्टी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पे 15 से 20 दिन लेट हो गया। तो जैसे ही टाइम टेबल आता है मैं आपको इसकी सूचना दे दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।